सब्सक्राइब कीजिए इंडियन रसोई चैनल को और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए। लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए ये बिल्कुल ही फ्री है। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है इंडियन रसोई चैनल। आज मैं आपको वेज पनीर पिज्जा ये रेसिपी सिखाने वाली हूँ और ये बिना ईस्ट और बिना माइक्रोवेव के तवे पर भी बहुत अच्छा बनता है और खाने को भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए दोस्तों, हम पनीर पिज्जा बनाना शुरू करते हैं। पिज्जा बनाने के लिए हमें सबसे पहले पिज्जा बेस बना लेने का है। मैंने यहाँ पे 250 ग्राम मैदा लिया है। बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा आधा टीस्पून, नमक 1 चम्मच। मैं इन सबको अच्छे से मिला लेती हूँ। इसे अच्छे से मिलाने के बाद मैं इसमें दही डाल रही हूँ आधा कटोरी, तेल 1 टीस्पून। इसे मैं अच्छे से मिला लेती हूँ। मैंने दही डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालती हूँ। हमें इसका मुलायम आटा गूंद लेने का है। इस तरह से मैंने मुलायम आटा गूंद लिया है। अब मैं ऊपर से थोड़ा तेल डालती हूँ और इसे सब साइड से अच्छे से लगा लेती हूँ। आटा अच्छे से मुलायम हो चुका है। हम इसे आधा घंटे के लिए रख देते हैं रेस्ट करने के लिए। आटा रेस्ट होने तक हम टॉपिंग बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है, इसके टुकड़े कर लिए हैं। नमक 1 टीस्पून, मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर आधा टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून और तेल 1 बड़ा चम्मच। इन सबको मैं अच्छे से मिला लेती हूँ। मसाला पनीर को अच्छे से लग चुका है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ प्लेट में। हम इसे साइड में रख देते हैं। यहाँ पे मैंने 1 शिमला मिर्च ली है जिसे लंबे साइज में कट कर लिया है, 1 प्याज इसे भी मैंने लंबे साइज में कट कर लिया है। अभी इन दोनों को मैं और इसे भी मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। मैंने गैस के ऊपर कढ़ाई रख दी है और गैस ऑन कर दिया है। अब मैं इसमें पनीर के टुकड़े डालती हूँ और इसे 1 मिनट तक फ्राई कर लेती हूँ। मैंने 1 मिनट तक पनीर को अच्छे से भून लिया है। अब मैं पनीर को निकाल लेती हूँ। अब इसी कढ़ाई में मैं शिमला मिर्च और प्याज डालती हूँ और इसे भी 1 मिनट तक भून लेती हूँ। एक मिनट हो चुका है, अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। हाई फ्लेम पे मैंने इसे 1 मिनट भूना था। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। अब मैं पनीर के बारीक टुकड़े कर लेती हूँ इस तरह से। इस तरह से मैंने पनीर के टुकड़े कर लिए।
यहाँ पर मैंने एक टमाटर लिया है और टमाटर के बीज हटा दिए। अब मैं इन तीनों को मिक्स कर लेती हूँ। मैंने पनीर डाले है इसके अंदर। अब टमाटर, इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। हमारी टॉपिंग बनके रेडी हो चुकी है। अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ। आटा रेस्ट हो चुका है। अब हम इसका पिज्जा बेस बना लेते हैं। मैं इसे गोले बना लेती हूँ। मैंने इतने साइज का गोला लिया है। अब मैं इसे सूखा आटा लगा लेती हूँ और इसे बेल लेती हूँ मैंने इस प्रकार इसे बेल लिया है। अब साइड से मैं इस तरह से प्रेस कर लेती हूँ। और बीच में से इस तरह से छेद डालती हूँ ताकि ये बेस फूल ना पाए। अभी मैं गैस ऑन कर लेती हूँ। अब मैं तवे के ऊपर एक आधा टीस्पून तेल डालती हूँ और पिज्जा बेस तवे के ऊपर डालती हूँ। जैसे इसे बबल्स आना स्टार्ट हो जाएगा हम इसे पलट लेते हैं। ये देखिए बबल्स आ रहे हैं। अब मैं इसे पलट लेती हूँ। अब मैं इसके ऊपर पिज्जा सॉस लगा लेती हूँ। पिज्जा सॉस मार्केट में आसानी से मिल जाता है। सब साइड से अच्छे से फैला देती हूँ। मैंने सॉस को सब साइड से अच्छे से फैला दिया। अब मैं इसके ऊपर एक टॉपिंग डालती हूँ। टॉपिंग को सब साइड से मैंने अच्छे से लगा दिया है। अब मैंने यहाँ पे मोजेरा चीज लिया है। ये भी मार्केट में आसानी से मिल जाता है और इसे हम सब साइड से अच्छे से इस तरह से लगाएंगे। मैंने सब साइड से अच्छे से लगा लिया है। अब मैं इसके ऊपर ऑर्गेनो छिड़क देती हूँ एक आधा टीस्पून। अब हम इसके ऊपर ढक्कन रखेंगे। हमें ढक्कन इस तरह से लगाना चाहिए कि ये पिज्जा को चिपक ना जाए और हम इसे एक स्लो फ्लेम पे 5 मिनट तक पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं ढक्कन हटा देती हूँ। हमारा पिज्जा बनके रेडी हो चुका है। मैंने स्लो फ्लेम पे इसे रखा था 5 मिनट। अब मैं गैस बंद कर लेती हूँ और इसे निकाल लेती हूँ। अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। ये देखिए हमारा पिज्जा बनके रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।